छिन गया घर, छूट गई पढ़ाई, घर घर जाकर बेची चूड़ी बिंदी, फिर ऐसे बने बॉलीवुड के सर्किट। हम बात कर रहे हैं जाने माने एक्टर अरशद वारसी की। वही अरशद वारसी जो आज बॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटीज में से एक है, जिन्होंने मूवीज में अपने किरदार को बखूबी निभाया है, जिनके फैंस की आज लंबी लिस्ट है। उनकी लाइफ में एक टाइम ऐसा भी रहा जब उन्हें घर घर जाकर चूड़ी बिंदी तक बेचनी पड़ी थी। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीत पक्की में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और मोटिवेशनल रियल लाइफ स्टोरी, और आज की स्टोरी है जाने माने एक्टर अरशद वारसी की। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल जीत पक्की पर नए हैं तो पहले जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज आपको देखने को मिल सके। तो चलिए जानते हैं अरशद वारसी के एक्टर बनने तक के सफर के बारे में। अरशद वारसी हिंदी सिनेमा जगत के जाने माने अभिनेता हैं, जो कि कई सुपरहिट मूवीज में दमदार अभिनय निभा चुके हैं। इनका अभिनय दर्शकों को खूब पसंद आता है। अरशद अब हिंदी सिनेमा जगत में अपनी पहचान बनाकर सफलता की बुलंदियों को छू चुके हैं। हालांकि सफलता प्राप्त करने के लिए इस अभिनेता ने काफी सारे संघर्षों का सामना किया है। पहली फिल्म करने के बाद अरशद वारसी बेरोजगार हो गए थे। हालांकि इस दौरान इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। बॉलीवुड में पिछले 20 साल से ज्यादा अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके अरशद वारसी का जन्म 19 अप्रैल 1968 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा नासिक के बोर्डिंग स्कूल से ली। अरशद ने 1996 में आई फिल्म तेरे मेरे सपने से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान राजू हिरानी निर्देशित फिल्म मुन्ना भाई MBBS के जरिए मिली। इस फिल्म में उन्होंने सर्किट की भूमिका अदा की थी। इसके बाद वह एक बार फिर राजू हिरानी की फिल्म के सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई में नजर आए। वह निर्देशक रोहित शेट्टी की गोलमाल सीरीज में नजर आए और कॉमिक रोल से छा गए। वहीं उन्होंने फिल्म इश्किया और डेढ़ इश्किया में साबित कर दिया कि वे इंटेंसिव रोल भी बेहद उम्दा तरीके से कर सकते हैं। संघर्ष के बिना जीवन अधूरा होता है। संघर्ष के साथ अपनी पहचान बनाने वाले व्यक्ति में विशेष बात होती है। सफलता उसे फर्श से अर्श पर ले जाती है। संघर्ष की इस कहानी के मुख्य किरदार हैं बॉलीवुड के सर्किट, यानी कि अरशद वारसी। अरशद उन एक्टर्स में से हैं जिन्होंने बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई है। एक सेल्समैन के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले अरशद वारसी को क्या पता था कि बॉलीवुड में उनकी एक अलग कहानी लिखी हुई है। अरशद को आज भले ही लोग फिल्म मुन्ना भाई MBBS में बने सर्किट के नाम से जानते हैं, लेकिन बॉलीवुड तक का उनका यह सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा है। अपने संघर्ष के दिनों में अरशद को परिवार का पेट भरने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सेल्समैन की भी नौकरी करनी पड़ी थी। अरशद वारसी को इंडस्ट्री से जितना मिला उससे कहीं ज्यादा उन्होंने अपने ऑडियंस को दिया भी है। अपने डांस से उन्होंने फैंस का दिन बना दिया, तो अपने कॉमिक किरदारों से निराश चेहरों में भी हंसी फूंक दी। स्क्रीन पर डराया भी तो रुलाया भी, यानी जो किया दिल से किया, और उनका किया हर किसी को खूब भाया। ये तो वो अरशद वारसी हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर देखकर जानते हैं, लेकिन एक अरशद वारसी वो भी है जिन्हें दुनिया शायद ही जानती हो। ये उनके स्ट्रगल का दौर था। सफलता पाने के लिए हर किसी को दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बॉलीवुड के मशहूर स्टार अरशद वारसी की कहानी भी इससे अछूती नहीं है। 14 साल की उम्र में पिता को खोने वाले अरशद की पढ़ाई भी 10वीं के बाद बंद हो गई, लेकिन अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आज बॉलीवुड की चमक धमक से भरपूर शानदार जिंदगी जी रहे हैं।
हालांकि इस मुकाम को पाने के लिए उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। अपने गर्दिश के दिनों में उन्हें घर घर जाकर लिपस्टिक और नेल पॉलिश बेचनी पड़ी। अरशद की जिंदगी में पिता की मौत और पढ़ाई के छूट जाने के बाद सेल्समैन की नौकरी ही बची थी, लेकिन समय निकालकर उन्होंने डांस भी सीखना शुरू कर दिया। 21 साल की उम्र आते आते अरशद डांस के मास्टर हो गए और बॉलीवुड की कई फिल्मों में कोरियोग्राफी तक में हाथ आजमाने लगे। हर दिल अजीज अरशद वारसी को फिल्म मुन्ना भाई MBBS में काफी पसंद किया गया। बाद में उन्होंने अपना डांस स्टूडियो भी खोला। बता दें कि अरशद को 1996 में तेरे मेरे सपने फिल्म से बॉलीवुड में ब्रेक मिला था। दोस्तों, आगे की वीडियो देखने से पहले अगर आपको अरशद वारसी की अब तक की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। इससे हमें आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस लाने का मोटिवेशन मिलता है। 14 साल की उम्र में हो गए थे अनाथ। महाराष्ट्र में हुआ था अरशद वारसी का जन्म, लेकिन 14 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। ये किस्मत का वो पहला थप्पड़ था जो अरशद को बड़ी जोर से लगा। बचपन में ही माँ बाप को खोने से बड़ा दुख कोई और नहीं। इसके बाद रही सही कसर किराएदारों ने निकाल ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अरशद का घर उनके किराएदारों ने हड़प लिया था और उन्हें भाई के साथ घर से बेघर कर दिया। बहुत मुश्किल से एक किराए के कमरे में दोनों भाई शिफ्ट हुए। उस वक्त अरशद महज 10वीं में ही थे, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़कर उन्हें ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने पड़े। लिपस्टिक और नेल पॉलिश बेची। अरशद वारसी ने अपनी लाइफ में काफी संघर्ष किया था। अरशद वारसी ने घर की आर्थिक हालत खराब होने के कारण घर घर जाकर लिपस्टिक और नेल पॉलिश तक बेची थी। कुछ वक्त बाद उन्हें एक फोटो लैब में काम मिल गया था। इसके बाद उन्होंने अकबर सामी का डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। अरशद ने इंडिया डांस कॉम्पिटिशन का खिताब भी जीता। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो एक्टर बनने से ज्यादा कोरियोग्राफर बनना चाहते थे। ऐसे बने बॉलीवुड के सर्किट। मुंबई की आधी से ज्यादा आबादी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है। जैसे जैसे अरशद बड़े हुए, उनका भी संपर्क बॉलीवुड से हुआ। बॉलीवुड में 1987 में अरशद ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर एंट्री की। साल 1993 में उनको फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा का टाइटल ट्रैक कोरियोग्राफ करने का मौका मिला था। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने बतौर लीड एक्टर फिल्म तेरे मेरे सपने से हीरो के रूप में फिल्मों में कदम रखा। लेकिन अरशद के लिए भी राह आसान नहीं हुई थी। फिल्म में अहम भूमिका निभाने के बाद भी उन्हें वह पहचान नहीं मिली जो वो चाहते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साल 2003 में आया और इसी साल उन्हें फिल्म मुन्ना भाई MBBS में बड़ा ब्रेक मिला। इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए सर्किट के किरदार को काफी सराहा गया। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जाने लगा, जिसके बाद उनके लिए फिल्मों की लाइनें लग गई। अरशद ने इसके बाद गुड्डू रंगील, इश्किया, लगे रहो मुन्ना भाई, डेढ़ इश्किया, धमाल जैसी फिल्मों में काम किया। अपनी कॉमिक टाइमिंग से अरशद लोगों को हंसाने लगे। उन्होंने कई कॉमिक फिल्मों में काम किया। गोलमाल और धमाल जैसी फिल्मों की सीरीज अरशद के बिना अधूरी है। अरशद ने अपनी मेहनत और लगन के चलते आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। उनकी सफलता की कहानी सभी के लिए मोटिवेशन है। दोस्तों, अगर आपको अरशद वारसी की संघर्ष से जुड़ी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जोश, जुनून और जज्बे से भरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।